नमस्कार मित्रों, हनुमान जी महाराज हर प्रकार के दुखों का निवारण करने वाले और हमारे हर प्रकार के कष्ट दूर करते हैं। वायु पुत्र होने के साथ साथ भगवान महावीर हमारे शरीर के हर प्रकार के कष्टों का निवारण भी करते हैं और हमारे हर प्रकार के शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसलिए हनुमान जी की उपासना कलयुग में विशेष रूप से फलदायी है। हर प्रकार के हनुमान जी के भक्त इस मंत्र के अधिकारी हैं, जो कि आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र बड़ा ही चमत्कारी है, बशर्ते शुरुआत में इस मंत्र को सिद्ध किया जाना जरूरी है। प्रतिदिन एक माला इस मंत्र की करके 11 दिन इस मंत्र का जप किया जाता है, उसके पश्चात यह मंत्र सिद्ध होता है। और किसी आवश्यक कार्य से निकलने से पहले मात्र 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करके अग्नि निकला जाए, अवश्य ही हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। और मंत्र का जप करने के लिए हनुमान जी के मंदिर जाकर के लाल आसन लाल पुष्प साथ लेकर जाएं। लाल आसन पर विराजमान होकर के लाल पुष्प हनुमान जी महाराज को अर्पित करें और उसके पश्चात इस मंत्र का जप करें। गूगल या धूप जलाएं और हनुमान जी को लाल मिठाई का भोग लगाएं या रोट का भोग लगाएं। तत्पश्चात आप इस मंत्र की कम से कम एक माला हनुमान जी की अवश्य करें। उसके पश्चात नित्य प्रतिदिन सुबह शाम एक एक माला इस मंत्र की करें और हनुमान जी का पूजन करें। 11 दिन के बाद यह मंत्र सिद्ध होता है। उसके पश्चात किसी भी प्रकार के कार्य में अगर हमारी बाधा आ रही हो, वह बाधा अवश्य दूर हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति का समय अपने अनुकूल होने लगता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ओम ह्रीम अंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय शीताशोक निवारणाय श्री रामचंद्राय पादुकाय महावीराय पंचमुखी वीर हनुमते मम शरीर रिष्ट निवारणाय मम शत्रु सैन्यम बंजय बंजय मम रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। इस मंत्र का जब किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है और किसी भी दिन शुभ मुहूर्त देख करके प्रातःकाल या सायंकाल में इस मंत्र का जप करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इस मंत्र का जप करें। अन्यथा हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठ करके और अपने घर में भी यह प्रयोग किया जा सकता है। और 11 दिन करने के पश्चात में प्रातःकाल उठते ही मंत्र का सिर्फ 3 बार उच्चारण जरूर करें। तत्पश्चात यह मंत्र स्वयं सिद्ध रहता है और किसी भी आवश्यक कार्य में जाने से पूर्व 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप जाएंगे, अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।